वो तो हम बाद में कर देंगे। पार्टनर क्या कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे ये इस्त्री कर लेता था। सिर्फ 25-30 मिनट रह गए हैं अफ्तारी में और आप अभी तक कुछ लेके नहीं आए सामान बाहर से। अफ्तारी का सामान लेकर आने वाला है? और क्या, जल्दी से ले आए जल्दी से। घर में क्या पड़ा हुआ है जो आपने खाना है? बाकी सारा सामान तो है। ममतू ले आओ, ममतू खास हो, वो तो मस्ट। चलो मिले, वो तो जरूरी है, बाकी फिर आप देख लेना। शाम का टाइम होने वाला है, तकरीबन अफ्तारी नज़दीक है। ये हमारा घर है, ये ठीक है, ये वाला घर है, ये ऊपर सारा। अभी मैं जा रहा हूँ अफ्तारी के लिए थोड़ा सा सामान लेने। चलो चलते हैं, आपको भी साथ लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि सकरदू का बाज़ार और यहाँ पे क्या क्या मिलता है। चलो फिर चलते हैं। बारिश होती रही है, अभी बारिश रुकी है, थोड़ी देर हुई है बारिश रुकी। ये देखें सारा रोड गीला पड़ा है और ये सामने देख रहे हैं, हाँ जी ये देखें सामने, माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत देखें, क्या खूबसूरत नज़ारा है, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। इनके नीचे हम रह रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। और मज़े की बात बताऊं, सफ़ेद रंग के पहाड़ बहुत खूबसूरत लगते हैं, बाकी ये दूसरे ब्लैक ब्लैक पहाड़ से तो वैसे डर लगता है। ये देखें मौसम चेक करें, माशाल्लाह ज़बरदस्त। चलो अब आगे चलते हैं। ये सामने परेशान चौक है, यहाँ पर दुनिया जान के परेशान लोग रहते हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं, जाके परेशान चौक से कुछ लेते हैं खाने पीने के लिए। मुझे ठंड लग रही है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो तकरीबन कोई 3 और 4 के आसपास होगा, तो बस थोड़ी देर में हम परेशान चौक पहुँचने वाले हैं, पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ से क्या क्या मिलता है और क्या क्या बाज़ार की सूरत हाल है, खाने के लिए क्या चीज़ें मिलती हैं और अफ्तारी के लिए हमें क्या मिल सकता है, देखते हैं अभी जाकर। बस मैं थोड़ी देर में पहुंचने ही वाला हूँ। चलें हम ये परेशान चौक पहुंचने वाले हैं, यहाँ से परेशान चौक स्टार्ट हो जाता है। ये मेरे घर के पास वाला चौक है, ये देखिए यहाँ पे ये समोसे पकौड़े जलेबी हैं, आगे आपको दिखाते हैं। ये छोटी सी मार्केट है, चौक है, तो यहाँ से तकरीबन ज़रूरी है ज़िंदगी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मोबाइल शॉप है, नान वाली शॉप है, यहाँ से रोटी और नान आपको ऐसे ही मिलता है। यहाँ पे अपने आटे की रोटी नहीं बनती, ये बनाते हैं मैदे की फाइन वाली रोटी, ये सारी नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ खड़ी है। वहाँ पे पता नहीं कितने करोड़ की होनी है, यहाँ पे 25-26 लाख रुपए की मिल जाती है टी शर्ट लैंड क्रूज़र। ये प्रीमियम खड़ी है, ये भी 15-14 लाख रुपये की है आराम से। ये देखें सब्जी वाला बैठा हुआ है, जनरल स्टोर है, मोची बैठा है, बाकी ये देखिए ज़बरदस्त चीज़ें, समोसे पकौड़े। उसके बाद अभी आपको दिखाते हैं, ये है ममतू, यहाँ से ममतू मिलते हैं, ममतू। ये है परेशान चौक जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था, ये परेशान चौक है। इस चौक की बात कर रहे थे, ये परेशान चौक है और ये मेरे ख्याल में वो सतपारा का इन्होंने स्टैचू बना रखा है। बाकी आप देख सकते हैं बाज़ार और आपके सामने है, इसे मेन बाज़ार की तरफ जाएगा और इधर स्कूल है, हॉस्पिटल है और ये चौक है, सतपारा चौक। सॉरी परेशानियाँ हैं, नमक पर समोसे हैं, और ये जैसे मैंने पहले बताया वो परेशान चौक, सतपारा का स्टैचू और बाकी अभी आपको ज़रा मंग दिखाएँ। चले आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये दोस्त ऐसे ये मेरे लिए 6 ममतू पैक कर रहे हैं, जलेबी है। उसके बाद अभी देखते हैं क्या करता है। कर रहे हो दोस्त मेरे लिए कर रहे हो? मेरे कर रहे हो? अच्छा मेरा उधर है, सही है। कितने का एक? 15-20 का। 15-20 का। आपका क्या नाम है?
ये किस चीज से बनता है? सही है माशाल्लाह। ये किस चीज से बनाते हैं? ये मैदे से बनाते हैं जी। इसके अंदर बीफ कीमा और ये प्याज मिक्स करके और मसाजा बारह किस्म के मसाजा इसमें लगते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात। तो लेने के बाद हम आ रहे हैं सब्जी वाली शॉप पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हाल है। तरबूज किस तरह है? लाल है? ये तो कम लाल है। अच्छा, किस तरह किलो? एक किलो दे दो। सब्जी की शॉप है, बड़ी प्यारी शॉप है। अंकल जी खड़े हुए हैं माशाल्लाह। और ये सारा बाजार, अभी इफ्तारी का टाइम है ना, तो ज़रा चहल पहल ज़्यादा है, लेकिन अभी इनकी तरफ इफ्तारी लेट है, इसलिए थोड़ा सा ना रश नहीं है जिस तरह होना चाहिए। मैं हमने ये तरबूज लिया, ममतू लिए, कुछ समोसे पकौड़े लिए, और अब जा रहे हैं वापस घर की तरफ। अभी और मेरे ख्याल में कुछ ऐसा है नहीं जिसकी ज़रूरत हो और लेना हो, बस अब चलते हैं घर और चल के करते हैं इफ्तारी। इफ्तारी कर तुम्हें इफ्तारी। मौसम यहाँ बहुत ठंडा है, देख रहे हैं आप, समझ आ रही होगी सारी बात। बादलों ने सकर्दू को चारों तरफ से घेरा हुआ है और सकर्दू को बार बार कह रहे हैं कि हिलने की कोशिश ना करना, लेकिन सकर्दू की हिम्मत है, फिर भी हिल जुल रहा है, थोड़ा थोड़ा हिल लेता है। हा हा हा, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। अफतारी का टाइम है, इस तरह के मामला से परहेज करें। ये मैं अपने आप को कह रहा हूँ, शुक्र है मुझे किसी और ने नहीं कहा, वरना मैं हल्की हल्की बेइज्जती महसूस करने सी। चलो बस घर पहुंचने ही वाले, देख रहे हैं। चलते हैं घर की तरफ। हम घर पहुंचे, चलते हैं अंदर और करते हैं इफ्तारी की तैयारी। क्या कर रहे हो माँ बेटा? हमारे रूम का व्यू बड़ा प्यारा है, बड़ा जबरदस्त व्यू है। चलो मैं आ गया किचन में, इफ्तारी की तैयारी करें। ये रहा हमारा छोटा सा किचन। अब जरा मैं सेटिंग करने तैयार है। ये इसमें है ममतू, बस थोड़ी सी और चीजें, खजूर है, बाकी जो है खाना। अरे मेरा बेटा सोया पड़े, बड़ा प्यारा बेटा है माशाल्लाह, सोया हुआ ना। असल मजा तो ये है, असल चीज ये है।